सेंटर ऑफ मास ड्यू टू एक सॉलिड स्पीयर है, देख रहे हो आप, सॉलिड स्पीयर है। अगर इस पूरे सॉलिड स्पीयर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, आधा काट दूंगा हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर उसका हम पहले ही निकाल चुके। अभी मैं आधा नहीं काटा हूँ यार, अभी मैं आधा का आधा काटा हूँ, एक कैप लिया हूँ, समझना। तो ये जो सॉलिड स्पीयर है उसका मैं एक छोटा सा कैप लिया हूँ, अब मैं उसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, समझना। ये कैप यहाँ इसका एक्चुअल में जो सेंटर है, तो सेंटर तो ये है, और ये यहाँ से ये आर बाई टू है, ठीक है, आर बाई टू है टोटल रेडियस इस स्पीयर की, आर है और इसकी रेडियस आर है और इसका मास। तो यहाँ से आर बाई जगह एक सेंटर सी लेके मैंने एक कट लगाया, और ये जो पार्ट निकला इसी का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे कोई सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऐसे काटता हूँ इसको, तो ये एक डिस्क मिलेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा, और डिस्क ओवर डिस्क ओवर डिस्क ओवर डिस्क, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर सी पे आएगा, तो ये जो सारे डिस्क है सभी का सेंटर ऑफ मास सी पे ही है। तो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पे ही आएगा, एक्स एक्सिस में नहीं आएगा। चलो तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं पूरा बड़ा स्पीयर बना लेता हूँ जिसका सेंटर प्यारे बच्चों सी है, ठीक है, ये सेंटर सी है और ये डॉट डॉट वाली लाइन है, और ये यहाँ से, अब मैं यहाँ से जाके एक कट लगाऊंगा, और यहाँ से जाके कट लगाया तो ये हमें हेमी स्पीयर मिला, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास नहीं। इसका जो सेंटर है वो मैं सी ले लेता हूँ, और ये सेंटर मैं ओ ले लेता हूँ, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आप कट लगाए हो, वो जो कट किए हो आप, दैट इज आर बाई टू पर कट लगाए हो, दिस डिस्टेंस इज आर बाई टू, क्लियर है। तो सबसे पहला जो चैलेंजिंग काम है, इस पूरे स्पीयर का जो मास था वो कैपिटल एम था, तो ये जो छोटा वाला स्पीयर बना हुआ है इसका मास एम होगा। सबसे पहले तो हमें एम ही नहीं पता है, इस पूरे स्पीयर का मास कैपिटल एम है, तो सबसे पहले तो हम इस छोटे स्पीयर जो मैं कट किया हूँ उसका मुझे मास निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम अगर मास निकालें तो देखो, अभी मैं बताया कि डिस्क ओवर डिस्क मिलके बना हुआ सॉलिड स्पीयर है, काटोगे तो डिस्क 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 मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से कुछ सेंटर से कुछ वाई डिस्टेंस ऊपर जाके एक छोटा सा एलिमेंट्री कट लगाता हूँ, डिफरेंशियल एलिमेंट लेता हूँ, दिस डिफरेंशियल एलिमेंट इज अ डिस्क। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो कुछ नहीं है, वो एक डिस्क है, दिस इज द डिस्क, दिस इज द डिस्क व्हिच सेंटर इज सी डैश एंड रेडियस इज आर, दिस सेंटर इज सी डैश एंड रेडियस इज आर, दिस रेडियस इज आर, आर समझ में। अब यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कैपिटल आर, एंड इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस दैट इज डी वाई, डी वाई इज द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है डिस्क की उसकी मैं थिकनेस डी वाई ले लिया हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो इसकी जो थिकनेस है वो डी, और अगर अब इसका मैं वॉल्यूम निकालूंगा, स्मॉल वॉल्यूम, एरिया पाई आर स्क्वायर और इसकी थिकनेस डी वाई, और इसमें जो मास आया होगा, इस डिस्क में जो मास आया होगा वो डी एम मास आया होगा, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई एक नया क्वांटिटी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं एक लैम्डा नाम की नया क्वांटिटी बनाता हूँ जो कैपिटल मास मास पर यूनिट वॉल्यूम, लोग ऐसा लिए हैं कि दिस वैल्यू रिमेंस कॉन्स्टेंट, मास पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो डी एम है और मल्टीप्लाइड बाई इस लैम्डा, ये छोटा वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे इसमें मास पता चल जाएगा। तो जो डी एम है इस वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर लैम्डा डी वाई, दैट इज द डी एम, ये स्मॉल मास डी एम की वैल्यू। ये जो डिस्टेंस है वो कुछ वाई है और ये डिस्टेंस कुछ आर है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। चलो तो ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई
तो अगर इतना आ गया, अब इसको उठा के यहाँ पे रख देने वाला है, दैट डीएम दैट इज पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और लैम्डा दैट इज द डी वाई, ठीक है, दैट इज डी वाई, दिस इज द डीएम। अब टोटल मास मैं इसको लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दूंगा, दैट इज द टोटल मास प्रॉपर लिमिट, वाई में इंटीग्रेशन हो रहा है, देखो वाई कहां से कहां तक जाएगा, ये जो कैप है ये यहां से स्टार्ट है, यहां वाई इज इक्वल टू जीरो था, ओरिजिन पे y इक्वल टू जीरो था, तो यहां से y स्टार्ट होगा लिमिट, तो y इक्वल टू लिमिट जो होगा r बाई टू टू आर इज r बाई टू टू आर और ये जीरो टू स्मॉल m, तो स्मॉल m जो टोटल मास आ जाएगा, इसको देखो इसको पाई पाई लैम्डा बाहर ले लो, पाई लैम्डा बाहर ले लो, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर वाई माइनस आर स्क्वायर वाई वाई की पावर क्यू डिवाइडेड बाई थ्री एंड दैट इज आर बाई टू टू, दिस इज द, अब इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो ये देखो कितना आता है, कैलकुलेट कर लेना, तो कैलकुलेशन के बाद ये है फाइव लैम्डा पाई आर की पावर क्यू डिवाइडेड बाई 24, दिस इज द मास इन दिस एलिमेंट, इतना जो केजी है, वो जो छोटा वाला कैप था, छोटा वाला कैप, उस कैप में इतना मास आया हो। अब उसका, अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगा दो डायरेक्ट, तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है, थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ाता हूँ, हाँ, सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है वाई सी एम दैट इज द वन अपन मास जिस बॉडी का निकालना है, इंटीग्रल वाई और डी एम, ठीक है, ये अब देखो वन अपॉन मास, मास यहां से लेके आओ फाइव लैम्डा पाई कैपिटल आर क्यू और ये 24 लैम्डा और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जो मास है वो लिमिट यही रहेगी, लिमिट आर बाई टू टू आर, वाई क्या है डीएम का, डीएम मास का वाई कोऑर्डिनेट, तो डीएम मास का वाई कोऑर्डिनेट वाई ही रहेगा, ठीक है, और डीएम की वैल्यू उधर से लेके आओ, डीएम निकाले थे इधर हम लोग, यहाँ पर निकाले थे डीएम, डीएम निकाले थे हम लोग, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाई लैम्डा दैट इज द डी वाई, दिस इज द डीएम, तो ये जो डीएम है वो इतना आ जाएगा हमें वैल्यू, पाई लैम्डा आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी वाई, दिस इज द डीएम। अब इसको जो फाइनल कैलकुलेट करोगे तो वही मुझे सोल्यूशन मिलने वाला है, तो जब ये पाई लैम्डा बाहर आ गया तो पाई लैम्डा खत्म हो गया और ये ऊपर बचेगा 24 आर क्यू अपॉन 5, ठीक है, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन वाई आर स्क्वायर माइनस वाई की पावर क्यू डी वाई दैट इज द आर बाई टू टू आर, ये तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो फाइनली इसको जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24 आर की पावर क्यू अपॉन 5 और ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आर बाई 2 टू आर, ठीक है, ये लिमिट। अब ये जब पूरा लिमिट रखोगे, ठीक है, 5 r की पावर q, r की पावर q, हाँ r की पावर q एक्चुअली नीचे आ रहा था ना, r की पावर q डिनोमिनेटर में आ रहा था, ये r की पावर q ऊपर नहीं रहेगा, तो ये r की पावर q यहाँ आ रहा था, तो r की पावर q, तो ये पूरा कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 27 r अपॉन 40, ठीक है, दिस इज द वाई सी एम 27 अपॉन 40, ठीक है,